तो मैंने अपने घर के डोर को अच्छे से लॉक कर दिया है और चलता हूँ मैं अभी बाहर की ओर, और जो अपना घर है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स IDSG हियर बैक विद अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम एक व्लॉग करने वाले हैं ट्रेन सिमुलेटर में, जिसमें कि हमें अपने घर से रेलवे स्टेशन की ओर जाना है। और उससे पहले आप लोग ये देख लो हमारा घर कितना आलीशान घर है यार, देख रहे हो यार कितना लग्जरी हमारा घर है, आप लोग देख ही सकते हो। और एकदम अच्छे से मैंने इसमें लॉक वगैरह कर दिया है। और अभी हम जा रहे हैं बस के अंदर, क्योंकि हमें इसी बस से जाना है रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन पर जाकर यार मुझे जाना है दुर्गापुर, तो वहाँ तक हम जाएंगे। और देख लो यार अभी बस के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ पर बस ड्राइवर भी और कुछ पैसेंजर्स वगैरह भी लगता है बैठे हैं। और ये क्या यार, ये मैडम तो लगता है बीच में खड़े खड़े ही आज बुक वगैरह पढ़ेंगी। चलिए कोई बात नहीं, और अभी हम आ चुके हैं बस की सीट पर, तो चलते हैं भाई। अब हम बैठ चुके हैं बस के अंदर। अरे भैया जी हम बैठ गए हैं, अब आपको चलना है तो चलिए भाई। यार भैया जी तो सुन ही नहीं रहे यार बस वाले भैया जी हमारी बात, लगता है और पैसेंजर का वेट कर रहे हैं। अरे ये क्या, आपको बीप सुनाई दे रही होगी जो कि डोर बंद हो रहा है हमारे बस का। और जब भी डोर बंद होता है ना बस का, ये जो बीप होती है ना ये सुनाई देता है भाई। और वो देखो हमारा घर, आप लोग देख सकते हो पीछे, हम अपने घर से यार छोड़कर आ चुके हैं और बढ़ रहे हैं अभी हम रेलवे स्टेशन की ओर। और मैं आपको बता देता हूँ यार, रेलवे स्टेशन से आने से पहले एक लेवल क्रॉसिंग पड़ने वाली है, यानी कि एक फाटक पड़ने वाला है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, उस फाटक के गेट बंद होंगे तभी यार, क्योंकि ये जो ईस्टर्न रेलवे का सेक्शन है ना ये काफ़ी बिजी सेक्शन है, और यहाँ से ज़्यादातर ट्रेनें जाती हैं बर्धमान जंक्शन की ओर। तो मुझे लग रहा है वहाँ पर हमें वेट करना पड़ेगा ट्रेन निकलने का। और थोड़ा सा मैं आपको बस के बाहर से जो नज़ारा है वो दिखा देता हूँ। ये देखो भाई अभी हम बस के बाहर में आ चुके हैं, और यहाँ पर थोड़ा बहुत यार आप लोगों को जो गेम का लैग है वो देखने को मिल जाएगा। ये देखो यार, ये कार के अभी तक टेक्सचर ही नहीं लोड हुए थे बट अभी हो चुके हैं, तो यहाँ पर यार थोड़ा सा गेम लैग मार रही है, वो थोड़ा आप लोग इग्नोर कर लेना। और यार हम बढ़ रहे हैं अभी लेवल क्रॉसिंग की ओर। और आप लोग सोच रहे हो अरे भाई बस से तो ट्रैक साउंड आ रहे हैं, ट्रैक साउंड ट्रेन के तो आ रहे हैं, तो यार वो थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार, वो इस गेम का एरर है। क्योंकि यार ये जो बस है ना ये गेम समझ रहा है ये बस नहीं ये ट्रेन है। मैंने नीचे में इनविजिबल ट्रैक लगा दिया और उसके ऊपर यार एक यही वाली बस को मैंने ऐड कर रखा है, तो ये जो गेम है ये इसे ट्रेन मार रहा है गाइस, इसीलिए ट्रैक साउंड आ रहे हैं। और ये देखो हम लेवल क्रॉसिंग के पास आके रुक चुके हैं, थोड़ा सा और मैं आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को। और ये क्या भाई, लेवल क्रॉसिंग के गेट्स आप लोग देख ही सकते हो बंद हो चुके हैं, और यहाँ से क्रॉसिंग चल रहा है किसी ट्रेन का WDM3D के साथ में, कोई RSB एक्सप्रेस ट्रेन का यहाँ पर क्रॉसिंग चल रहा है आप लोग देख लो। और इसके कारण ना हम यहाँ पर लेवल क्रॉसिंग पर आके रुक चुके हैं, ताकि ये जो ट्रेन है ये निकल जाए और उसके बाद हम चलें भाई आगे। और ये क्या भाई, हमारी बस के अंदर से आप लोगों ने देखा यार एक काला जादू, तो हमारी बस के अंदर से आप लोग देख ही सकते हो एक गाड़ी आके निकल चुकी है यार, तो ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। और ये क्या, एक और गाड़ी यार ट्रेन के अंदर से निकली है, तो ये काला जादू आप लोग हमारे ट्रेन सिमुलेटर में देख सकते हो। और ये देखो एक और गाड़ी आके हमारी बस के अंदर घुस चुका है, आप लोग देख ही सकते हो यार, तो ये देखो भाई काला जादू इस गेम में कूट कूट कर भरा है, आप लोग देख ही सकते हो। तो यार अब लेवल क्रॉसिंग के गेट वगैरह जैसे ही खुलेंगे ना फिर हम यहाँ से चलेंगे गाइस, पहले यार ये लेवल क्रॉसिंग के गेट्स वगैरह खुलने देते हैं। और ये देखो लेवल क्रॉसिंग के गेट्स वगैरह खुल चुके हैं, और हमारी बस ने दोबारा से बीप बजा दी है कि हम चलने वाले हैं। और ये देखो हम जा रहे हैं अभी, और हमारे अंदर से यार कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह निकल के जा रही हैं हमारे आगे, आप लोगों ने देखा ही होगा। और यहाँ से हमें टर्न लेना है रेलवे स्टेशन की ओर, तो हमने टर्न ले लिया है, आप लोग बाहर से भी नज़ारा देख सकते हो। और ये क्या भाई, हमारा बस तो यार फुटपाथ पे चल रहा था, ये तो गड़बड़ हो गई भाई थोड़ा सा। और दोबारा से जो ट्रैक साउंड है इस बस से वो आने लगे हैं, जो कि इस गेम का एरर है। और वो देखो वो जो ट्रेन है गाइस वो स्लोली स्लोली जा रही है, आप लोग देख ही सकते हो। और यार मैं आज जिस ट्रेन में जर्नी करने वाला हूँ वो एक क्लासिकल लिवरी वाली ट्रेन होने वाली है, मतलब जो 90s के समय वाली ट्रेन होती थी ना उसमें मेरी जर्नी होने वाली है आज की, तो उसी ट्रेन से जाना है मुझे दुर्गापुर की ओर।
और ये देखो एक खतरनाक वाला यहाँ पर क्रैश हुआ है, एक गाड़ी हमारी बस के आर पार चली गई है, और ये इस गेम का एरर है यार, ये थोड़ा आप लोग मैनेज कर लेना भाई। और यहाँ पर रेलवे स्टेशन काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, आपको देख के पता लग रहा होगा हमारे आस पास में। और चलिए यहाँ पर अब, अरे भैया जी यहाँ पर ही रोक देना बस, क्योंकि यहाँ पर ही मुझे रुकना है रेलवे स्टेशन के पास में। हाँ यार ये देखो रेलवे स्टेशन ऊपर लिखा है, तो सक्सेसफुली यार हम रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। और अब मैं गुजारिश करूँगा कि हम यहाँ से बाहर निकले, और पैसे वगैरह मैंने इनको दे दिया है। तो ये देखो भाई हम अपनी सीट पर आ चुके हैं वापस, और ये देखो यहाँ पर कुछ पैसेंजर्स वगैरह और भी बैठे हैं इस बस में, बस खाली नहीं बिल्कुल भी। और अब मैं यहाँ से बाहर जाने के लिए वो करूँगा। और ये क्या हुआ भाई, ये सामने में जो पहले कोई और खड़ा था अभी आके कोई और खड़ा हो गया, ये क्या हो गया भाई, ये तो गजब बात है। चलिए कोई बात नहीं भाई, और ये पैसेंजर्स वगैरह तो अच्छे से बैठे ही हैं, इनकी बात ही तो छोड़ दो, और लगता है ये और आगे जाएंगे। फिलहाल तो हमें यहीं पर जाना है, और हमारी बस में से लगातार यार गाड़ियाँ वगैरह निकल के जा रही हैं, ये थोड़ा सा इग्नोर कर लेना। और ये देखो भाई हमारी बस हमें यहाँ पर पहुँचा के अब यहाँ से रवाना होगी, और हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन के अंदर, और हमारी आज की जर्नी होने वाली है थर्ड एसी में। और मुझे टिकट वगैरह तो लेना नहीं पड़ेगा काउंटर से, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग यार आप लोग जानते हो आजकल तो ऑनलाइन बुकिंग इजी वे में हो जाता है, तो मैंने ऑनलाइन ही बुक किया था IRCTC की वेबसाइट से। तो थर्ड एसी का टिकट मैंने बुक कर लिया था, तो देखते हैं भाई हमारी ट्रेन कब तक आती है, तब तक हम थोड़ा सा ये जो बेंच वगैरह है यहाँ पर बैठ के ट्रेन का वेट करते हैं। और ये क्या, हमारी ट्रेन तो आ चुकी है, ये देखो भाई आप लोग देख ही सकते हो यार, ये बैक फाइव के साथ में है, और ट्रैक साउंड वगैरह मुझे आने लगे हैं अब ट्रेन के। ये देखो भाई बैक फाइव के साथ में हमारी क्लासिकल लिवरी वाली ट्रेन आ चुकी है, जो कि आज हमें दुर्गापुर लेकर जाएगी। और यार आज का ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके बता सकते हो भाई, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो हम ब्लॉग नहीं कर सकते, बट इस गेम में ज़रूर कर सकते हैं। तो मैंने ये कुछ नया ट्राई करने का कोशिश किया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और आगे तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें आने वाली हैं इस गेम में। तो फिर अगर आप यहाँ पर पहली बार एंट्री मारे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर ढेर सारे ट्रेन से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। तो सक्सेसफुली हमारा ट्रेन यहाँ पर आके रुक चुका है, अब मैं थोड़ा सा पीछे की ओर जाऊँगा, और जो हमारा कोच है ना वो एकदम सेकेंड एसी के पास में है, तो वहाँ पर हमें जाना है, और देखना है भाई सेकेंड एसी के बाद पहले मतलब उसके पहले कौन सा कोच पड़ता है, तो उसी में हमें बैठना है। तो मैं अभी आपको लेके चल रहा हूँ, और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना ये जो कोच है यही मेरा है, क्योंकि इसके आगे जो है वो सेकेंड एसी के कोचेस आ जाते हैं, तो उस सेकेंड एसी में तो हमने बुक नहीं किया, हमने तो थर्ड एसी में बुक किया भाई, इतनी औकात नहीं है हमारी सेकेंड एसी में बुक करने की भाई। तो ये देखो भाई इसके आगे सेकेंड एसी आप पड़ जाता है, तो इसी कोच में हमें जाना है, जो थर्ड एसी का कोच आपको दिखाई दे रहा है ना। चलिए गाइस अभी हम इसके अंदर चलते हैं, और ये देखो इसके अंदर हम आ चुके हैं, और मुझे हॉर्न वगैरह का साउंड आ रहा है ट्रेन का। और ये देखो भाई डोर व्यू पर मैं आपको लेकर आ चुका हूँ, तो आज मैं ये जो ब्लॉग है ना आपको डोर व्यू से दिखाऊँगा डिपार्चर हमारा इस रेलवे स्टेशन से। तो देखते हैं भाई हमारी ट्रेन कब तक डिपार्ट करती है। और हमारा वाईफाई फॉरन वगैरह मार रहा है, आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, और लग रहा है यहाँ से डिपार्ट हो चुका है हमारा। ये देखो भाई हाँ यार जैसे ही मैंने बोला तुरंत हमारे वाईफाई ने एक्सेलरेट किया है, और वो अभी डिपार्ट कर रही है। और ये क्या भाई सामने से किसी ट्रेन का क्रॉसिंग चल रहा है डुअल वैफ फोर के साथ में, आपको दिखाई दे रहा होगा कि डुअल वैफ फोर है किसी LHB एक्सप्रेस ट्रेन के साथ में हमें क्रॉस कर रही है, आप लोग देख ही सकते हो। और इसमें हाई कैपेसिटी पार्सल वैन का भी इस्तेमाल किया गया है, और ये डुअल वैफ फोर के साथ में था, तो ये देख रहे हो यार दो दो लोकोमोटिव इसमें लगे हैं, शायद वो जो पहले पीछे वाला वैफ फोर था वो फेल हो चुका है। और हमारा वाईफाई लगातार हॉर्न वगैरह मार के यहाँ से डिपार्ट कर रही है,
और आपको दिखाई दे रहा होगा हमारी जो कोच है वो थोड़ी बहुत शेकिंग हो रही है, मतलब कि अच्छी खासी स्पीड में अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है। और गाइस बहुत जल्दी मैं सोच रहा हूँ एक सेकंड चैनल पे क्यों ना यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 के गेम प्ले डाले जाए, जिसमें कि बस मोड मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो फिर आप लोग थोड़ा सा सजेशन मुझे देते रहना कि भाई हमें बस गेम ट्राई करना चाहिए कि नहीं। और अभी हम आ चुके हैं लेफ्ट साइड से, जो नज़ारा है वो देख लो आप लोग, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो बुश वगैरह मुझे दिखाई दे रही हैं। और ये जो रोड आपको दिखाई दे रही है ना हमारे लेफ्ट साइड में, अभी हम इसी रोड से आए थे इस रेलवे स्टेशन की ओर, और यार वो फाटक भी आने वाला है गजब वाला, यहाँ पर हमने क्रॉसिंग देखा था ना वो वाला फाटक भी आने वाला है, तो उसकी चिंता आप लोग मत करना। मैं आज के स्टूडियो में आपको फाटक वगैरह सब दिखाने वाला हूँ भाई। और आप लोग देख ही सकते हो हमारा जो कोच है वो काफ़ी ज़्यादा यार शेक कर रही है। तो फिर मुझे अच्छे से जो डोर का आपको दिखाई दे रहा है ना इस साइड में जो ग्रिल्स वगैरह लगे हैं, ये अच्छे से मुझे पकड़ के रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शेकिंग वगैरह हो रहा है। और ये देखो भाई ये फाटक पास में आ गई लेवल क्रॉसिंग, इसी से हम थोड़ी देर पहले बस से गुजरे थे और अभी हम ट्रेन से इसे क्रॉस कर रहे हैं। ये देखो भाई कितना गजब का ये फाटक आप लोगों ने देख लिया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा इस वीडियो में। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और जर्नी के साथ में, तब तक के लिए साइन आ रहा और बाय।